गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और भाई, पिछले दो दिन से काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा था, ऑफिस में काम भी काफ़ी आया हुआ था और पर्सनल कुछ अपॉइंटमेंट्स भी थे, जिसकी वजह से भाई ब्लॉग नहीं बन पाया, मतलब टाइम ही नहीं मिला यार ऑनेस्टली बताऊँ तो, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया भी नहीं। पर भाई आज फ्राइडे है, घर से काम कर रहे हैं और अभी भाई सुबह के 7:30 बज रहे हैं और एकदम बढ़िया मौसम हो रखा है, मतलब अभी एक दो दिन से सही मौसम चल रहा है। और फिर अभी मैंने सोचा कि थोड़ा रेवे जाते हैं, थोड़ा सा ग्रोसरी का एक सामान लेना है, दूध वगैरह वो सब ले लेता हूँ और फिर सोच रहा हूँ कुछ सैंडविच वगैरह भी ख़रीद लेता हूँ साथ में, क्योंकि भूख भी लग रही है। और आज घर से काम करेंगे जैसे मैंने बता दिया आपको, तो फिर अपना लैपटॉप ऑन करते हैं और ऑफिस स्टार्ट करते हैं। तो भाई ले लिया सारा सामान और सैंडविच वगैरह भी ले लिया, तो अब घर जा रहा हूँ। और भाई आज ना मैं सुबह जल्दी उठ गया था, सो के 6 बजे उठ गया था, तो जब उठा तब तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर भाई अब नींद आ रही है दोबारा से। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ भाई, ऑफिस भी स्टार्ट करना है। एनीवे, फ़िलहाल थोड़ा काम करते हैं, फिर सोचता हूँ शायद थोड़ा लंच के बाद ब्रेक 1 घंटे का एक्स्ट्रा ले लूँगा आज, वैसे भी घर से काम कर रहे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। पर देखो बाहर का मौसम एकदम मस्त, आसमान पूरा साफ है आज। तो भाई आ गए अपन अपने घर की तरफ। अपना फ्राइडे चालू हो गया, वीकेंड स्टार्ट हो गया, ऑफिस हो गया बंद और अभी मैं जा रहा हूँ एक मस्त स्पोर्ट्स करने के लिए, गेम खेलने के लिए। हमारा टीम का एक इवेंट है तो चलो वहाँ चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कि हम कौन सा गेम खेलने वाले हैं। थोड़ा बता देता हूँ क्यूरियोसिटी के लिए कि भाई बहुत शानदार गेम होने वाला है, काफी मतलब मजेदार गेम होने वाला है, तो चलो चलते हैं और देखते हैं। तो भाई जैसा आप देख रहे हो ना, ऐसे इन बबल्स के अंदर हम जाएंगे और फिर फुटबॉल खेलेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। तो हम अपनी टीम के साथ आए हुए हैं। गाइस गेम खेल लिया, आपने देखा ही होगा भाई बहुत थकाने वाला गेम था, मज़ा बहुत आया पर भाई बहुत थकाने वाला गेम था। आज मैंने पहली बार खेला है तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब ऐसा कुछ हो नहीं था, क्या कहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव गेम नहीं था, लेकिन जो फन था ना अलग ही हटके था। तो भाई अब काफ़ी थक गया हूँ तो फटाक से घर जाता हूँ, फिर शावर लेता हूँ और उसके बाद का ब्लॉग बनाते हैं। और गाइस घर आके जो मेरी हालत हुई है यार, पूरे शरीर में दर्द, थाइज में दर्द, कमर में दर्द, मतलब खेलने में जो मज़ा आया ना उसके बाद जो शरीर की तुड़ाई हुई है, मतलब क्या ही बताऊँ। तो भाई मैं तो कल बहुत जल्दी सो गया था और आज उठा भी बहुत ही लेट हूँ, और भाई अभी बज रहा है शाम के 4, तो मतलब पूरा दिन ही मैंने आज सोने में निकाला है लगभग। मैं उठा ही बहुत लेट था, आई थिंक 11:30 बजे सो के उठा था और उसके बाद भी शरीर दर्द हो ही रहा था, अभी भी हो रहा है,
पर उतना नहीं हो रहा जितना भाई कल रात हो रहा था। तो अभी मैं आपको अपनी बालकनी से नज़ारा दिखाता हूँ। दोपहर में तो यार थोड़ा सनी था, पर अब मतलब हवा भी चल रही है और बादल भी, पर यार आज भी बहुत लोग हैं वहाँ सामने जो पार्क है उसमें, तो मतलब पूरा भरा ही हुआ है, बहुत लोग खेल रहे हैं और वो अपना झूला भी देख रहे हो आप, चल ही रहा है। अच्छा ने चाय बनाई है तो अभी अंदर चलते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ा सुस्ताते हैं। और भाई अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, तो मैं फटाक से जा रहा हूँ इंडियन स्टोर, आधे घंटे बंद हो जाएगा, तो प्लान है कि वहाँ से आटा वगैरह सब फटाक से ख़रीदा जाए और फिर भाई कल संडे है तो आराम से चिल करेंगे घर में पूरा दिन। स्टोर आया है तो नमकीन भी लेना है, तो यहाँ से ये दो डाक बिजली के पैकेट उठा रहा हूँ मैं और ये उठा लो वाला पैकेट। तो भाई इंडियन स्टोर से सारा सामान ले लिया, आटा वगैरह सब कुछ, और अब जा रहा हूँ घर की तरफ। और भाई ये जो झूला है ना ये बहुत ही शानदार लग रहा है यार, अभी एकदम अंधेरा नहीं हुआ है, एकदम मतलब गुप्त अंधेरा नहीं हुआ है, तो आसमान में भी थोड़ी बहुत लाइट है, हालांकि सूरज पूरा डूब गया है, बहुत ही शानदार लग रहा है यार। दिन का लास्ट काम ग्रोसरी, तो वो भी हो गया है, अभी रेवे में अपन, पर मैंने सामान काफ़ी ले लिया है, बस अब बिलिंग करके निकलना है, तो दिखा देता हूँ। देख लो फ्रूट, प्याज, ब्रेड, तो अब फटाक से निकलते हैं यहाँ से। और भाई हालत ना अभी भी इतनी सही नहीं है यार, कमर में तो बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो यार अभी ईशा ने डिनर बना दिया है, तो डिनर खाता हूँ, आराम करता हूँ। इस व्लॉग को आप देख पाओगे आप मंडे को, क्योंकि मैं अभी एडिटिंग करने नहीं बैठ रहा, मुझे लगता भी नहीं मैं ज़्यादा देर बैठ पाऊंगा, कमर में इतना तेज दर्द हो रहा है। तो कल होपफुली संडे है, उम्मीद करता हूँ कि कल थोड़ी तबीयत ठीक रहेगी, तो कल एडिटिंग वगैरह करता हूँ और फिर आप इस व्लॉग को देखना। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज तो मैं भी बढ़िया हूँ एकदम, ना कमर में दर्द ना पाँव में दर्द, कल भी जल्दी सो गया था और आराम से सो के उठाऊँ और मज़ा आ गया भाई, अब लग रहा है पूरा रिलैक्स, मतलब फ्राइडे को जो गेम खेला है ना उसने मेरे पूरे 2 दिन निकाल दिए। चलो पहले आपको वेदर दिखाता हूँ, आज बहुत ही अच्छा वेदर है, मतलब धूप वगैरह नहीं निकली है, पर यार बारिश हो रही है और एकदम अच्छी हवा चल रही है, बहुत ठंडी भी नहीं है कि एकदम आपको ठंड लगे, पर मस्त, जैसे इंडिया में नहीं होता वो पकोड़े वाला मौसम कि चाय के साथ पकोड़े खाए जाए, वैसा मौसम हो रखा है। तो अब जाता हूँ अंदर, ईशा को बोलता हूँ कुछ पकोड़े वगैरह बना दे, तो फिर वो खाते हैं। तो गाइस जैसा आपने टाइम देखा, रात के बज गए 10 और कल है भाई मंडे, तो काम भी करना है और कल मैं ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ, मतलब ऑफिस की ट्रेनिंग है 2 दिन की, तो इसलिए सुबह जल्दी भी उठना है। भाई ये वाला जो वीकेंड रहा है ना, मतलब इसमें मैंने सिर्फ इंडियन स्टोर गया हूँ, मतलब फ्राइडे को खेलने के बाद, उसके अलावा मैंने सिर्फ और सिर्फ आराम किया भाई, इतना आराम तो मैंने अभी तक किसी वीकेंड पे भी नहीं किया है। तो गाइस फिर आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मतलब आज का व्लॉग नहीं है, ये पिछले 2 दिन से व्लॉग चलता ही आ रहा है, तो इस वीकेंड व्लॉग को आज यहीं खत्म करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना अपना ध्यान रखें और मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। बाय, गुड नाइट।